एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तालकोड़ा इंडोर स्टेडियम के अंदर आज आरपीआई का बहुत बड़ा अधिवेशन था और कल जैसे कि चुनाव होता है और आज उन्हें रामदास अठावले जी को आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और हमारे बीच में है सीमा अठावले जी जो रामदास अठावले जी जो मिसेज हैं। सीमा जी अभी अठावले जी को कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी तो हो गई है लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि अठावले साहब आज देश के मंत्री हैं। हर साल की तरह इस साल में भी उनकी ये साल में उनकी अधिकृत तरीके से घोषणा हुई है और अटले साहब ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे ऐसे में उनको शुभकामनाएं देती हूँ। सीमा जी जिस तरीके से महिलाओं में इस तरीके के अत्याचार होते हैं और संविधान को बार बार आगे लाया जाता है कि संविधान चेंज करेंगे और महिलाओं में इस तरीके अत्याचार होते हैं तो इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? अठावले जी क्या लगे? संविधान बदलने की बात तो किसी ने की नहीं है, जिसने भी की है वो गलत तरीके से की है लेकिन अठावले साहब भी बोलते हैं और देश के प्रधान जी भी बोलते हैं संविधान है इसके लिए वो प्रधान बने हैं तो संविधान बदलने का कोई कोशिश भी नहीं करेगा और अगर वो ऐसे कोशिश भी हो जाएंगी तो उसके लिए अठावले साहब मर मिटने के लिए भी तैयार है और अठावले साहब अभी बहुत जोर से काम करेंगे। उनके कार्यकर्ता उनको भी अभी ज़्यादा प्रेरणा मिली है और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी और ज़्यादा उत्साहपूर्ण से तरीके से देशभर में काम करेगी। सीमा जी अभी बाबा साहब का जन्मदिन आने वाला है 14 अप्रैल तो आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? पिछले साल में 125वीं जयंती बाबा साहब का जन्म दिवस देश भर में नहीं तो पूरे अपने वर्ल्ड में बाबा साहब की जन्मोत्सव मनाया गया। इस साल में भी हम लोग अच्छी तरह से मनाएंगे। महिलाओं का अत्याचार महाराष्ट्र से देश भर में बढ़ रहा है लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का काम इतना अच्छा चल रहा है तो मुझे लगता है कि अत्याचार कम हो जाएंगे और उसका कानून भी अच्छी तरीके से पास हो जाएगा। सीमा जी अब मैं एक पर्सनल उस्ताद हूँ उसका अधिकतर वो बाहर रहते हैं और समाज की सेवा करते हैं और जब आप लोगों को परिवार में समय नहीं दे पाते तो आपको उस समय रवैया कैसा रहता है? एक आप गृहिणी हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। अपने साहब समाज में काम करने वाला नेता है। मैंने सोच समझ कर ही उनके साथ में शादी किया था। वो समाज के लिए उन्होंने उनका जीवन समर्पित किया है और मुझे खुशी होती है उनके साथ में उनको प्रेरणा देने का काम मैं करती हूँ। मैं दुखी कभी नहीं रहती उनका मैं उनको सहयोग करती हूँ और हमारा जो जीवन है जो हमारा निजी जीवन है वो अच्छी तरीके से पूर्ण के तरीके से चल रहा है और इसके लिए अटले साहब देश का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। धन्यवाद।